बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार कि आप लोग अपना कीमती वक्त यहाँ पर दे रहे हैं। शायद आप लोग को किन्हीं को आलू कवाना होगा यहाँ कि नहीं, हाँ तो वो सब काम छोड़ के आप लोग यहाँ पर आए हैं। तो उम्मीद करेंगे आप लोग जितना हर्जा करके आए हैं उससे ज़्यादा यहाँ से आप लेके जाए, ठीक है। और हम इतना दो दिन से आ रहे हैं आप लोग में, जैसे कि कुछ कुछ पता लोग जानते हैं, दो दिन लोग जानते होंगे। अभी हम अपना इंट्रोडक्शन ही देखते हैं क्योंकि आज मेरा टॉपिक, तो मैं अपना पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम आदित्य कुमार हुआ, हम माता सुशीला इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से आए हैं, जैसे कि आप लोग को कल पहले भी बताए थे, और हम बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है। कुछ दिन के बाद मेरा अब हम लोग बार बार आ रहे हैं, हम लोग का एक ही उद्देश्य आपको, पहले हम सबसे पहले फर्स्ट दिन आए थे तो आपको क्या सा डिजीज बताए थे, स्वाइन फ्लू के बारे में बताए थे, उसके बाद क्या बताए, रूबेला के बारे में बताए थे, और कल ही हम लोग को बताए हम कि कल हम लोग क्या बताएंगे, इम्यूनाइजेशन के बारे में बताएंगे, टीकाकरण के बारे में बताए थे। बोले थे कितना दिन नहीं बोले थे ना कि कल टीकाकरण के बारे में बताएंगे, लेकिन सब दादी को हम चीन गए हैं, सब को हम चीन गए हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। चाचा लोग में भी लेकिन उस चाचा को हम चीन गए हैं, बाकी नया नया है चाचा। तो आप लोग फिर से हम पहले बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे, और अब आए हैं काम छोड़ के तो काम पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दिए यहाँ पे एकदम से एकाग्रचित होकर यहाँ पे रहिएगा और ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, और अगर अच्छा तो सुनिएगा, हम अगर सपोर्टेड हम पूछेंगे लास्ट में और देखेंगे कि संतुष्ट हो गया तो हम जो भी लाए हैं वो पिटारा खोल के आप पे लुटाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आप लोग ध्यान से सुनेंगे, तो स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, हम पहले दादी से पूछेंगे और चाचा से भी पूछेंगे, कल कौन सा रोग के बारे में हम डिस्कस किए थे दादी, ई दादी बताएंगे, ई दादी बहुत ध्यान से कल सुने, याद है कुछ आप लोग को कल से कौन सा रोग बताए थे, टीकाकरण के बारे में दादी बोलते कि हम आज बताएंगे, कल हम बताए थे रूबेला के बारे में, और उसके पहले बताए थे स्वाइन फ्लू के बारे में, आप लोग को याद होगा है ना, नहीं याद होगा तो कर लीजिए, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, हमारा टॉपिक है टीकाकरण। तो हम जैसे कि कल बताए थे कि टीकाकरण क्यों जरूरी है, हम यहाँ पे अब आज हम आपको बताएंगे टीकाकरण क्या है, क्या इसको मतलब क्या इसका मतलब होता है, ये क्यों जरूरी है, इसका किसको किसको क्या इसका प्रभाव पड़ता है, ये सब हम स्टार्ट बताते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टीकाकरण होता क्या, टीकाकरण से आप लोग क्या समझते हैं, कुछ आइडिया बताइए, टीकाकरण से आप लोग कुछ मन माइंड में होता हुआ ना कुछ बताइए कि कुछ जानकारी है तो कि टीकाकरण इस चीज़ को बोलते हैं, जो भी आपको माइंड में चल रहा हो, टीकाकरण से आप जब सुनते हैं टीकाकरण तो आपके माइंड में क्या फिगर बनता है, रोग को आने के पहले जो दे दिया जाता है इंजेक्शन वही टीकाकरण। सर चाचा नाम हुआ आपका, प्रभात चाचा, हम ये बात कल बताए थे लेकिन ये नहीं आए फिर भी जानते हैं, बहुत अच्छा जवाब दिए हैं। रोग होने से पहले देखिए, हम कल भी बात बताए थे आज भी बता रहे हैं, मेडिसिन और वैक्सीन दोनों में अंतर क्या, मेडिसिन मतलब दवाई, दोनों दवाई ही है लेकिन इंग्लिश टर्म हमको यूज करना पड़ा तो हम कर रहे हैं, तो समझिएगा वैक्सीन और समझ रहे हैं, वैक्सीन सुने ही होंगे, मेडिसिन मतलब दवा, जो रोग होने के पहले लिया जाता है उसको हम बोलेंगे वैक्सीन, जो रोग होने के बाद लगे उसको बोलेंगे मेडिसिन, क्लियर है। तो आज हम लोग सिर्फ वैक्सीन के बारे में बात करेंगे, मेडिसिन के बारे में बात नहीं करेंगे। तो भारत सरकार ये जो जितना भी रोग का वैक्सीन उसको एक शेड्यूल बना दिया है कि आपको कब कितना कैसे कैसे कौन सा रूट से ये सब वैक्सीन लेना है, कौन कौन रोग से रिलेटेड वैक्सीन लेना है, वो पूरा शेड्यूल बनाया है, जैसे देखिए ये हम लोग ना पूरा शेड्यूल आपके लिए बस आपके लिए बना चलाया, आपके लिए इतना मेहनत कर चलाया कि हम लोग हमारे चाचा हमारे चाची हमारे दादा और हमारे दादी ध्यान से समझ पाएंगे, ये पूरा शेड्यूल है, ये भारत सरकार का शेड्यूल है। भारत सरकार चाहती है कि आप लोग को कोई रोग ना हो, कि आप लोग को नहीं आपके बच्चे के और वो जो जन्म है उसी समय से उनको हर रोग से सुरक्षा मिले, तो ये पूरा चार्ट है। अब इसको हम सबको एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से समझेंगे कि कब कब कौन कौन टीका लेना है, आपके एनएम आपके आशा को ऑलरेडी मालूम रहता है। पहले तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अच्छा इसको हम लास्ट में बोलेंगे, पहले हम ये समझते हैं तालिका को समझते हैं। सबसे पहले बच्चा को जन्म से लेके बच्चा को 16 वर्ष तक इस तकला अगर हर जब देना है अगर उस टाइम पर अगर आप वैक्सीनेशन दवाते हैं आपको आगे रोग होने का चांस खत्म हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं जन्म से, ठीक है।
या तो फिर हम आशा करते हैं गर्भवती माता से, ठीक है, गर्भवती माता से साक्षात करते हैं। अभी आप कंफर्टेबल नहीं तो बैठा था तो बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाइए। एकदम शरीर को रिलैक्स रखना है, दर्द पे नहीं रहना है, ध्यान ध्यान रहना है, शिक्षा पे यहाँ से लेना, ठीक है। तो साथ के तो अगर गर्भवती माता है तो उनको तीन वैक्सीन लगता है, है ना, तीन टाइम लगता है। सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था में, यानी कि तो बोलिए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसको बोलते हैं, पहला जो तीन महीना होता है गर्भधारण के, उसमें एक टीका लगता है जिसको कच्चे का टीका लगता है। आप लोग कुछ आइडिया है, जब माता प्रेग्नेंट होती है, जब गर्भवती माता प्रेग्नेंट होती है तो तीन महीने के अंदर उनको एक टीका लगता है, कौन सा दीदी का टीका लगता है? अच्छा, टीटी का टीका सुना है? जो लोग नोट कॉपी लाए आप लोग नोट कीजिएगा, वो आज का टॉपिक है। तो टीटी का टीका लगेगा फर्स्ट, कब लगता है गर्भवती माता को? तीन महीने के अंदर में। और टीटी का टीका कुछ सुरक्षा प्रभाव करेगा, किस लिए लग रहा है? ये टेटनस ना रोग सुने हैं? टेटनस रोग किससे? टेटनस बहुत खतरनाक रोग है, सच्चा जानते हो? आइडिया होगा ये? हाँ, सबको जानते हैं, बहुत अच्छा बात है, दादी भी जानते हैं। तो ये टेटनस बहुत खतरनाक रोग है, सरकार इसको टेटनस रोग को खत्म करने के लिए उसको भी एक टीका रखा, गर्भवती माता को ही सबसे पहले देते हैं ताकि बच्चा नहीं। तो पहला टीका लगाया गर्भवती माता को तीन महीना पे टेटनस का, लेकिन याद करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं याद होगा तो उसके लिए भी हम व्यवस्था करके रहे हैं कि आपको क्या करेंगे, ठीक है, पहले सुनिएगा। तो पहला टीका लगाएगा गर्भवती माता को तीन महीने पे, कौन सा टीका लगेगा? टेटनस का, वही टेटनस टीटी का टीका उनको फिर कब लगेगा? जब पहला टीका लग गया उसके एक महीना के बाद उनको दूसरा टीटी का टीका लगेगा, और फिर उनको लगेगा टीटी का बूस्टर। तो जब दोनों टीका लग गया, टीटी फर्स्ट और टीटी सेकंड लग गया है, उसके तीन साल के अंदर उनको टीटी बूस्टर लगेगा। यहाँ तक समझ रहे? यह गर्भवती माता को था, गर्भवती माता को कौन सा टीका लगता है? टीटी का। आपको बहुत पूछेंगे तो बताना भी है, कौन सा लगेगा टीका? टीटी का। कितना बार लगेगा? तीन बार लगेगा। यहाँ तक कंप्लीट है? हम इसमें जैसे इसमें लिखा हुआ है, डोज भी लिखा हुआ है कि कितना डोज देना है, किन सा रोड से देना है, यह सब आपको जानकारी नहीं रखना, बस आप समझिए कि कब कब कौन कौन टीका लगेगा, कौन रोग से उसे घर परवा देगा, यह आपके आशा और एनएम को मालूम होगा, वहाँ पर जाइए, वो ले सकते हैं, ठीक है। चाचा वो भी बता देंगे कि वो तीसरा कब पड़ेगा, वो भी बताएंगे थोड़ी देर बाद में, वो बताएंगे। जो भी डाउट रहेगा, जो भी मन में सवाल चल रहेगा वो हमसे कर सकते हैं, हो सकता है कि जो आपका सवाल रहे वो ध्यान से सुने तो आपको खत्म होता होता है, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है, जल्द ध्यान से सुनिएगा। अब हम आते हैं बच्चा पे, गर्भवती माता को हो गया, अब बच्चा जन्म ले चुका है, जन्म लेने के साथ उसको पड़ेगा BCG का टीका। BCG का मतलब होता है बैसलर्स कालमेट ग्यूरिन, ये जो BCG है वो आपको TB से बचाता है। TB नाम रोग का नाम सुने ना? टीबी तो पुराना, हाँ पुराना रोग है, और ये संक्रमक रोग भी है, खास में अब आसपास में इतना पुराना इतना प्रचलित है कि कहीं ना कहीं या तो मरीज का नाम सुने होंगे या इसको TB है उसको TB है। आप लोग तो कुछ सिम्टम भी जानते होंगे TB का, है ना, जानते हैं? हाँ सॉरी, आप लोग कुछ लक्षण भी जानते होंगे TB का, कि खांसने से फैलता है, ड्रॉपलेट से फैलता है। तो BCG का टीका किस लिए लगाएंगे? TB के लिए, जब बच्चा जन्म लेगा तो, ठीक है। और उसके बाद हम लगाएंगे उसको OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, इससे मैंने सिंपल समझे कि पोलियो का टीका लगाएंगे, जिसको बोलते हैं जीरो डोज जो लगाएंगे वो पोलियो का टीका लगाएंगे। उसके बाद हम हेपेटाइटिस बी का टीका लगाएंगे, अच्छा पोलियो का टीका किस रोग से सुरक्षा प्रदान करेगा? पोलियो से, किससे करेगा? पोलियो से, ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। उसके बाद एक बच्चा को लगाएंगे जन्म पे तीन टीका लगाएंगे, पहला क्या? BCG, उसके बाद पोलियो, और उसके बाद हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस बी भी एक टीका है, हेपेटाइटिस जो किससे सुरक्षा देगा? हेपेटाइटिस बी रोग से, हेपेटाइटिस बी का नाम सुना है, और ये हेपेटाइटिस बी वायरस ही होता है। तो अब ये समझ के बच्चा जब जन्म लगा तो कितने टीका लगेगा? कितने? तीन को। देखिए मेल के तरफ से ज़्यादा को आती मतलब आंसर आ रहा है, आप लोग फिर यहाँ पे फिर यूँ ही होता है कि मेल सबसे आ गए हैं वगैरह, आप लोग भी अपना पावर दिखाइए, ठीक है, तो आप लोग भी जवाब दीजिए,
बच्चा जब जन्म लगा तो कितने टीका पड़ेंगे? तीन गो। कौन कौन? पहला बीसीजी, उसके बाद पोलियो, पोलियो, उसके बाद हेपेटाइटिस। चाचा एकदम याद खुश कर ले, हर जवाब दे रहे हैं। टीचर है? अच्छा, वही चलते चाचा बता रहे हैं। कितना देर के अंदर में पढ़ना चाहिए? क्या बोल रहे? हाँ वो ही बताते हैं। देखिए उतना हम डिटेल्स नहीं बता रहे, हो सकता है इनका ऊपर पढ़ा। देखिए अगर बीसीजी का टीका लेना है तो आपको जन्म तक 24 घंटा के बीच ले सकते हैं। अगर 24 घंटा के बीच लेते तो 0.1 में लेना है, और उसको एक साल के अंदर तक भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर एक साल तक अंदर रख देते हैं तो फिर आपको 0.5 में लोड करेगा। ये दोनों भेज होता है। हम इतना इतना तो बता रहे हैं कि सब लोग का इतने में दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है भैया, समझ गए। और फिर बाद में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम बच्चा का समझ गए, जब जन्म लगा तो कौन सा तीन गो भाग करेगा। अब आते हैं जब वो छह वीक का होगा तब उसको फिर से टीका पड़ेगा। इसमें सब लिखा हुआ है। तो छह वीक का होगा तो सबसे पहले जो कि पोलियो का फिर फर्स्ट डोज देंगे, ओपीवी का फर्स्ट डोज देंगे, उसके बाद पेंटाभैलेंट का फर्स्ट डोज देंगे। पेंटाभैलेंट अगर बोले तो इसमें पेंटा मतलब होता, देखिए नहीं नाम लग रहा, पेंटा मतलब पाँच। बोलते ना हम लोग बचपन में पढ़ते थे एक में चार, पढ़े हैं भैया आप लोग पढ़े होंगे, एक में चार है वो पतला किताब वाला। अच्छा हाँ हाँ हाँ, अच्छा पढ़े हैं एक में चार। ऐसे हम इसको बोलते थे एक में पाँच, मतलब एक वैक्सीन में पाँच को मिला हुआ है। अब पेंटा मतलब कैसे पाँच में हुआ? तो पहले इसमें होगा डिप्थेरिया का, उसके बाद पर्टुसिस का, उसके बाद टेटनस का, उसके बाद हेपेटाइटिस बी का, उसके बाद हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा का। ये पांच गो पेंटा जब भी बोले तो समझिए कि उसमें पांच वैक्सीन का कॉम्बिनेशन है, मिला हुआ है। इसी को बोलते हैं हम अपने लग में बोल सकते हैं समझाने के लिए कि एक में पांच। ठीक है, तो छह वीक पर पहले तो पड़ेगा पोलियो का फर्स्ट वैक्सीन पड़ेगा, उसके बाद पेंटाभैलेंट का फर्स्ट डोज पड़ेगा, उसके बाद आरबीबी। अच्छा पेंटाभैलेंट पांच गो डोज रोग से ही पता लगेगा किस किस रोग के लिए देंगे। उसके बाद आरबीबी होता है जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म है रोटा वायरस वैक्सीन, इसका भी फर्स्ट डोज पड़ेगा छः वीक पे। अब रोटा वायरस किसके से, रोटा वायरस वैक्सीन किससे प्रिवेंट करेगा? वो आपको डायरिया से प्रिवेंट करेगा। किससे करेगा? डायरिया से। डायरिया तो नाम सुने ही होंगे बच्चों लोग का, बहुत ये कॉमन बीमारी है। तो अगर आप छः वीक पे बच्चा को आरबीबी यानी रोटा वायरस वैक्सीन का वैक्सीन दिलवा देते हैं तो आपको आगे डायरिया से रिलेटेड टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो और छः महीना पे जैसे कि छः वीक पे पांच वैक्सीन पड़ेगा। ठीक है, तो हम कितने के गिनाए? पहला हम बोले पोलियो का फर्स्ट डोज, पेंटाभैलेंट का फर्स्ट डोज, आरबीबी का फर्स्ट डोज, रोटा वायरस का फर्स्ट डोज, उसके बाद आपको पीसीजी जिसको बोलते हैं न्यूमोकोकल वायरस। ठीक है, पीसीजी न्यूमोकोकल कंजुगेट वायरस, इसका पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है एफआईवी फ्रैक्शनल डोज ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, जो पोलियो का दूसरा वैक्सीन आता है वो पड़ेगा। तो जब छः वीक होगा तब पांच वैक्सीन, समझ गए? कौन कौन? एक बार फिर से बोलिएगा। सबसे पहले पोलियो का फर्स्ट डोज, ठीक है, पेंटाभैलेंट का फर्स्ट डोज, आरबीबी का फर्स्ट डोज, उसके बाद पीसीबी का फर्स्ट डोज, एफआईवी का फर्स्ट डोज। छः वीक हो गया। अब आते हैं फिर दसवां वीक पे, दसवां वीक पे भी पड़ेगा। अच्छा दसवां सप्ताह पे वीक, चलो समझ रहा हूँ, दसवां सप्ताह पे दादी उसमें भी तीन गो पड़ेगा। उसी को आगे बढ़ते रहेंगे, बस वही दो बढ़ते रहेंगे। जैसे कि फिर अब दसवां वीक होगा तो पोलियो को हम सेकेंड डोज लेंगे, उसके बाद आरबीबी का सेकेंड डोज लेंगे, और पेंटा का हम सेकेंड डोज लेंगे। ठीक है, दूसरा डोज लेंगे। अब हम आते हैं चौदहवां सप्ताह में। जब बच्चा 14 सप्ताह का होगा तो उसमें भी उसको हम पांच वैक्सीन लगाएंगे, उसी का डोज बढ़ते रहेगा। फिर उसको हम पोलियो का थर्ड डोज देंगे, आरबीबी का थर्ड डोज देंगे, पेंटा का थर्ड डोज देंगे, पीसीबी का सेकेंड डोज देंगे, और एफआईवीबी का सेकेंड डोज देंगे। ठीक है, तो बच्चा अब हो गया है कितना महीने का, कितना भी सप्ताह का है? 14 सप्ताह का। अब बच्चा एकदम स्पीड कर रहा, बच्चा पहुँच गया, बच्चा कितने महीना का हो गया? 9 महीना का। ठीक है, अब देखिए जैसे भारत सरकार बताया उसी तरह से बता रहे, अब कुछ सोच के ये शेड्यूल बनाया होगा। अब बच्चा पहुंच गया है नौवां महीना में। ठीक है, नौवां महीना में आप लोगों को कुछ आइडिया भी होगा और
बहुत सारा की एक बहुत सारा फेमस जो वैक्सीन पड़ता है उसको बोलते हैं MMR का, मिजल्स मम्स रूबेला। इसका फर्स्ट डोज पड़ेगा 9वां महीना में। मिजल्स मम्स रूबेला मतलब थोड़ा सा समझा देता हूँ उनको। मिजल्स मतलब क्या होता है? खसरा, खसरा। मम्स मतलब आप लोग जाना हुए गलसुआ रोग सुने हैं, ऐसा होता तब खुल जाता है। फिर वो अच्छी साँटते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं माम, ठीक है। वो भी बड़ी पेनफुल होता है ना, अब किसी को हुआ है? हमेशा तो बता रहे कि आप समझे कि कितना सीरियस होता है, जब होता था पैसा होता है पता लगता है, वो जल्द से टीकाकरण के लिए चलाइए। तो ये मिजल्स हो गया, मम्स हो गया और रूबेला, रूबेला के बारे में दादी लोग कल बताए थे है ना, एकदम जाना पहचाना रोग है, कल ही उससे चिन्ह पत्र करवा दिए थे, ठीक है। तो ये जो MMR का जो फर्स्ट डोज है वो पड़ेगा 9 महीना पर। उसके बाद एक आता है रोग होता है जापानी इंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस जिसको साउथ में बोलते हैं JE, इसका भी फर्स्ट डोज पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद विटामिन ए का भी फर्स्ट डोज 9 महीना में ही पड़ेगा, ठीक है। अब विटामिन ए अगर फर्स्ट डोज आप ले लिए हैं 9 महीना पे, उसके बाद आपको 6-6 महीना पे उसको टोटल 9 डोज पुराना है विटामिन ए का, 5 साल तक पड़ते रहेगा, ठीक है, समझ गए। 9 महीने में खुद खुल पड़ेगा। जो तीसरे को रिपीट करते हैं, बताइए 9 महीने में क्या गो, मेडिसिन बताए 9 महीने में क्या गो आप लोग भैया बताइए। 3 गो कौन कौन आप लोग को लगता है कि दादी को इज्जत में चाहिए, समझ में नहीं कर रहे हैं आप है। अच्छा तो इसके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है दादी, टेंशन लेने की एकदम जरूरत नहीं है। हम दादी जी बोल रहे हैं एकदम रिलैक्स रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही समय मांगा कोशिश कीजिए, बस सुनने कोशिश कीजिए सब सुनने का। लेकिन आप चाची को याद तो रख सकते हैं ना कि इस समय में सुई दिलवाने जाना है हमको, वही याद करवाने आए हैं एकदम। कम से कम समय तो याद रहना चाहिए ना कि इस समय में जाना है सुई दिलाने। नहीं है बहुत इम्पोर्टेंट और भी नहीं पता है। देखिए अच्छा हो गया है 16 से 24 महीना, कितना महीना का? 16 से 24 महीना का। तो वही जो 9 महीना में हम पढ़ा दिए हैं उसको, उसके बाद डोज को हम दूसरा जो MMR का था, मिजल्स मम्स एंड रूबेला का उसका हम सेकेंड डोज देंगे 16 से 24 मंथ में। उसके बाद जापानी इंसेफ्लाइटिस का भी सेकेंड डोज देंगे। और उसके बाद जो बताए थे आपको कि विटामिन ए का जो डोज है उसको क्या करता रहना, बढ़ाते रहना, तो 6-6 महीने फिर इसको भी हम बढ़ाते रहेंगे। उसके बाद RBB का बूस्टर देंगे, उसके बाद हम OPB का भी बूस्टर देंगे, ठीक है। अच्छा 6 साल का, कितना साल का? 5 से 6 साल का। 5 से 6 साल में हम उसको काट देंगे, PPTG का सेकंड बूस्टर देंगे, DPT का सेकंड बूस्टर। उसके बाद आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, अगर बच्चा हो गया 10 साल का उसको TT का लगाएंगे इंजेक्शन मतलब टीकाकरण, और 16 साल का हो गया तो उसको भी TT का इंजेक्शन लगवाएंगे। यहाँ तक आपको 16 साल तक ना बच्चा को टीकाकरण करवा के रहना, ये आपके माँ होने के नाते फर्ज है और आपको पिता होने के नाते भी फर्ज है कि आप अपने बच्चा को सुरक्षित पहन। अब हम समझते हैं कि ये टीकाकरण इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये तो हमको बताया कि